हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एलिवेटिंग माइंड्स। आज की इस वीडियो में हम कुछ और मॉडल क्वेश्चंस देखेंगे जो आने वाले ओटी टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, डू राइट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन बिलो। सो क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बेन सर्किट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर। जो बेन सर्किट होता है वो किस चीज़ के लिए सुटेबल होता है इनमें से। सो यहाँ पर ऑप्शन हैं, स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, स्पॉन्टेनियस एंड कंट्रोल्ड बोथ, पीडियाट्रिक पेशेंट वेंटिलेशन। सो यहाँ राइट आंसर क्या आएगा, कंट्रोल्ड वेंटिलेशन। बेन सर्किट कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के लिए बेस्ट होता है। अगर यहाँ बेन ना दिया होता, मजील सर्किट दिया होता, सो मजील सर्किट जो होता है वो स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन के लिए बेस्ट होता है। दोनों तरीक़ों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, बॉयल्स मशीन कंटेन हाउ मेनी प्रेशर सिस्टम। बॉयल्स मशीन में कितने प्रेशर सिस्टम होते हैं, 2, 3, 4, 1। ईजी क्वेश्चन है। सो बॉयल्स बॉयल मशीन के अंदर कितने प्रेशर सिस्टम होते हैं, 3। कौन कौन से, लो प्रेशर सिस्टम, इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम और हाई प्रेशर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन कौन सी गैस का, सेवोफ्लुरेन का। सो हमें यहाँ पर बताना है सेवोफ्लुरेन जो गैस है उसका मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन कितना है। सो इसमें ऑप्शंस हमें क्या क्या दिए गए हैं, 6%, 1.8%, 1.7% और 4.5%। सो सेवोफ्लुरेन का जो मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन है वो कितना होता है, 1.8% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल का इनमें से कौन सा एडवर्स इफेक्ट नहीं होता, हाइपोटेंशन, रेज्ड आईसीपी, हाइपरथर्मिया और ब्रोंकोस्पाज्म। यहाँ पर राइट आंसर आएगा रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ये जो है कॉमनली प्रोपोफॉल के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलता, बाकी इनमें से हाइपोटेंशन, हाइपरथर्मिया, ब्रोंकोस्पाज्म, ये साइड इफ़ेक्ट प्रोपोफॉल जिसको दिया गया है उनमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसल रिलैक्सेंट ऑफ चॉइस इन रीनल फेलियर पेशेंट। जिन पेशेंट की किडनी फेल हो चुकी होती है उनमें कोई प्रोसीजर करना है, सो उनके लिए मसल रिलैक्सेंट हम कौन सा प्रेफर करते हैं, पैनक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम, वैक्यूरोनियम या फिर स्कोलिन। स्कोलिन सक्सिनाइल कोलिन को कहते हैं। सो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा एट्राक्यूरियम। अब एट्राक्यूरियम क्यों आएगा, बिकॉज एट्राक्यूरियम का जो बॉडी से एलिमिनेशन होता है उसके लिए किडनी का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं होता, इसीलिए किडनी फेलियर के पेशेंट में अगर हम ये ड्रग देंगे तो उसके एलिमिनेशन के लिए किडनी पर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमसे पूछा गया है, रिंगर लैक्टेट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद। रिंगर लैक्टेट इनमें से किस कंडीशन में हम नहीं देंगे, ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमन, रीनल फेलियर, कोएगुलोपैथी या हेड इंजरी। यहाँ पर आंसर आएगा हेड इंजरी। अगर हम आरएल एक हेड इंजरी के पेशेंट को दे देते हैं वो फर्दर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज करेगा जिससे पेशेंट की कंडीशन और वर्स हो सकती है। नेक्स्ट है एफएफपी। एफएफपी क्या होता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। सो इसको स्टोर हम कितने टेम्परेचर करते हैं, 22 डिग्री पर, 37 डिग्री सेल्सियस पर, -30 डिग्री सेल्सियस पर या -20 डिग्री सेल्सियस पर। सो यहाँ पर राइट आंसर आएगा -30 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर हमें एफएफपी को मेंटेन करना होता है, 30 डेज तक हम इस टेम्परेचर पर अगर रखेंगे तो वो सही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सक्सिनाइल कोलिन इज नॉट गिवन टू। सक्सिनाइल कोलिन इनमें से किस कंडीशन में हम यूज़ नहीं करेंगे, सीवियर बर्न पेशेंट में, ओबीस पेशेंट में, एल्डरली पेशेंट में या पेशेंट विद डिफ़िकल्ट एयरवे। सो सक्सिनाइल कोलिन का इस्तेमाल हम सीवियर बर्न के पेशेंट में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे,
क्योंकि सक्सिनाइल कोलीन अगर हम ऐसे सीवियर बर्न या एक्सेसिव ट्रॉमा के केस में पेशेंट को देते हैं, उससे हाइपरकैलीमिया होने का खतरा रहता है, यानी पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होने का खतरा रहता है, जिससे पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, जो हम नहीं चाहते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। मोस्ट कॉमन यूज टेम्परेचर एंड टाइम कॉम्बिनेशन इन ऑटोक्लेविंग इज। ऑटोक्लेव में जो टेम्परेचर और टाइम का कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है? सीधा सा आंसर है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। ऑटोक्लेव की साइकिल के लिए ये टेम्परेचर और ये टाइमिंग नीडेड होती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, आइडियल लेंथ ऑफ एपिड्यूरल कैथेटर इंसर्टेड इन एपिड्यूरल स्पेस इज। सो एपिड्यूरल कैथेटर जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के टाइम पर इंसर्ट किया जाता है, या कंबाइंड स्पाइनल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के केस में इंसर्ट किया जाता है, उसकी आइडियल लेंथ कितनी होनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर? सो यहाँ राइट आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो हम और क्वेश्चंस देखेंगे।